बहुत सुना था इंडिया के बारे में, एक गरीब लाचार देश, एक असभ्य और एक अशिक्षित देश, यहां पर चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही फैली हुई है। भारत गड़बड़ियों का देश है, सफेदों का देश है, पाषाण युग में अभी भी भारत जी है। कहीं भी खड़े रहकर भाषण देने से कोई देशभक्त नहीं बनता। इस तस्वीर को यह इंडिया में दिखाने का प्रयास किया गया और इसलिए मैं इस अभियान से जुड़ा। मैं आपसे भी आह्वान करता हूँ, मैंने बहुत विचार करके यह इंडिया के इस नजरिए को सपोर्ट किया है और मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे अभियानों की हम सब देश भारतीय सराहना करें, इनका समर्थन करें। यह इंडिया बना दीजिए एक नया पाकिस्तान और निकाल फेंकिए बेबस और लाचार लोगों को। बहुत सुना था इंडिया के बारे में, एक गरीब लाचार देश, एक असभ्य और एक अशिक्षित देश, यहां पर चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही फैली हुई है। भारत गड़बड़ियों का देश है, सफेदों का देश है, पाषाण युग में अभी भी भारत जी रहा। कहीं भी खड़े रहकर भाषण देने से कोई देशभक्त नहीं बनता। इस तस्वीर को यह इंडिया में दिखाने का प्रयास किया गया और इसलिए मैं इस अभियान से जुड़ा। मैं आपसे भी आह्वान करता हूँ, मैंने बहुत विचार करके यह इंडिया के इस नजरिए को सपोर्ट किया है और मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे अभियानों की हम सब देश भारतीय सराहना करें, इनका समर्थन करें। यह इंडिया बना दीजिए एक नया पाकिस्तान और निकाल फेंकिए बेबस और लाचार लोगों को। बहुत सुना था इंडिया के बारे में, एक गरीब लाचार देश, एक असभ्य और एक अशिक्षित देश, यहां पर चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही फैली हुई है। भारत गड़बड़ियों का देश है, सफेदों का देश है, पाषाण युग में अभी भी भारत जी रहा। कहीं भी खड़े रहकर भाषण देने से कोई देशभक्त नहीं बनता। इस तस्वीर को यह इंडिया में दिखाने का प्रयास किया गया और इसलिए मैं इस अभियान से जुड़ा। मैं आपसे भी आह्वान करता हूँ, मैंने बहुत विचार करके यह इंडिया के इस नजरिए को सपोर्ट किया है और मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे अभियानों की हम सब देश भारतीय सराहना करें, इनका समर्थन करें। यह इंडिया बना दीजिए एक नया पाकिस्तान और निकाल फेंकिए बेबस और लाचार लोगों को। बहुत सुना था इंडिया के बारे में, एक गरीब लाचार देश, एक असभ्य और एक अशिक्षित देश, यहां पर चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही फैली हुई है। भारत गड़बड़ियों का देश है, सफेदों का देश है, पाषाण युग में अभी भी भारत जी रहा। कहीं भी खड़े रहकर भाषण देने से कोई देशभक्त नहीं बनता। इस तस्वीर को यह इंडिया में दिखाने का प्रयास किया गया और इसलिए मैं इस अभियान से जुड़ा। मैं आपसे भी आह्वान करता हूँ, मैंने बहुत विचार करके यह इंडिया के इस नजरिए को सपोर्ट किया है और मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे अभियानों की हम सब देश भारतीय सराहना करें, इनका समर्थन करें। यह इंडिया बना दीजिए एक नया पाकिस्तान और निकाल फेंकिए बेबस और लाचार लोगों को। बहुत सुना था इंडिया के बारे में, एक गरीब लाचार देश, एक असभ्य और एक अशिक्षित देश, यहां पर चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही फैली हुई है। भारत गड़बड़ियों का देश है, सफेदों का देश है, पाषाण युग में अभी भी भारत जी रहा। कहीं भी खड़े रहकर भाषण देने से कोई देशभक्त नहीं बनता। इस तस्वीर को यह इंडिया में दिखाने का प्रयास किया गया और इसलिए मैं इस अभियान से जुड़ा। मैं आपसे भी आह्वान करता हूँ, मैंने बहुत विचार करके यह इंडिया के इस नजरिए को सपोर्ट किया है और मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे अभियानों की हम सब देश भारतीय सराहना करें, इनका समर्थन करें। यह इंडिया बना दीजिए एक नया पाकिस्तान और निकाल फेंकिए बेबस और लाचार लोगों को। बहुत सुना था इंडिया के बारे में, एक गरीब लाचार देश, एक असभ्य और एक अशिक्षित देश, यहां पर चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही फैली हुई है। भारत गड़बड़ियों का देश है, सफेदों का देश है, पाषाण युग में अभी भी भारत जी रहा। कहीं भी खड़े रहकर भाषण देने से कोई देशभक्त नहीं बनता। इस तस्वीर को यह इंडिया में दिखाने का
प्रयास किया गया और इसलिए मैं इस अभियान से जुड़ा। मैं आपसे भी आह्वान करता हूँ, मैंने बहुत विचार करके यह इंडिया के इस नजरिए को सपोर्ट किया है और मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे अभियानों की हम सब देश भारतीय सराहना करें, इनका समर्थन करें। यह इंडिया बना दीजिए एक नया पाकिस्तान और निकाल फेंकिए बेबस और लाचार लोगों को।